एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चार तरह की स्वादिष्ट भजे की रेसिपी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मोटे वाले मिर्ची ले लिए हैं, एक कैप्सिकम ले लिया है, एक काकड़ी ले लिया है, दो कच्चे केले ले लिए हैं। अब इन सभी को अच्छे से वॉश कर ले। कच्चे केले को इस तरीके से मोटे स्लाइसेस में कट कर ले। अब कच्चे केले को हम 10 मिनट पानी में डाल देंगे, जिससे इसकी चिकनाहट निकल जाए और ये काले ना पड़े। अब हम मिर्ची को बीच में से कट लगाकर उसके सारे बीज निकाल देंगे। बीज निकाल देने से इसकी तिखास निकल जाएगी। हमने इसके बीज अच्छे से निकाल दिए हैं। इस तरीके से काकड़ी को थोड़े मोटे स्लाइस कट कर ले, कैप्सिकम को इस तरीके से कट कर ले। अब हम मिर्ची का स्टफिंग बना लेंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार ले ले, 2 टीस्पून चीनी ले ले, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। अब इसमें 1 स्पून मैं तेल डाल दूंगी। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है हमें इस मसाले में। हमारा स्टफिंग रेडी है। अब हम सभी मिर्ची में थोड़ा थोड़ा मसाला अच्छे से दबाते हुए स्टफ कर देंगे। अब हम बेसन का बैटर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक मोटी बाउल बेसन ले रही हूँ। 2 स्पून जितना चावल का आटा ले लेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। हाफ टी स्पून हींग डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम एक सेमी थिक बैटर रेडी कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना हमें, इस बैटर में गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करते रहे और अच्छे से मिक्स करते रहे। बिल्कुल इस तरीके का सेमी थिक बैटर रखें, पतला नहीं करना बैटर को। अब हम थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर ले। अब हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम 2 स्पून जितना तेल को गरम करके डाल देंगे। इससे आपके भजिए एकदम क्रंची बनेंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर दें। हमारा बैटर रेडी है। अब हम सभी केलों को एक टॉवल पर निकाल कर अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ताकि सारी इसकी चिकनाहट एंड मॉइस्चर निकल जाए। अब एक पैन में तेल ले ले और इसे अच्छे से गर्म हो जाने दे। सबसे पहले मैं कच्चे केले के भजिए बना रही हूँ।
केले को बैटर में अच्छे से डिप करके गरम तेल में डाल देंगे। अब हम धीमी आंच पर इसे तल लेंगे जब तक ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। फ्लेम हाई ना रखें, अदरवाइज़ केले कच्चे रह जाएंगे अंदर से। बैटर हमने यहाँ पर थोड़ा थिक सा रखा है जिससे सभी सब्जियों पर एक थिक सा लेयर आ जाए। अगर आप बैटर पतला रखेंगे तो इन पर कोटिंग अच्छे से नहीं लगेगी, इसलिए बैटर को सेमी थिक ही रखना है हमें। रेगुलर बेस पर हम आलू या प्याज के भजिए ही बनाना प्रेफर करते हैं, बट एक बार आप इन डिफरेंट सब्जियों के भजिए ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हमारे टेस्टी कच्चे केले के भजिए तल चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम मिर्ची के भजिए को तल लेंगे। मिर्ची को बैटर में अच्छे से डिप करके तेल में डाल दें और इन्हें धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। आप इस मिर्ची को सिंपली बेसन के बैटर में डिप करके भी भजिए उतार सकते हैं, बट आप इस स्टफ्ड मिर्ची के भजिए को ज़रूर से एक ट्राई दें। ये बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इसकी स्टफिंग मिर्ची के स्वाद को दो गुना बढ़ा देती है। चीनी की क्रंचीनेस और आमचूर की खटास मिर्ची के भजिए के टेस्ट को एक अलग स्वाद देती है। आप इसे चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, बट एज हमने इसमें स्टफिंग की है तो अगर आप इसे अकेले भी खाएंगे तब भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। इस भजिए को बनाना बहुत ही सिंपल है और इसमें मैंने एकदम सिंपल से मसाला किए हैं, तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। एक बार आप इसे चखेंगे फिर मिर्ची के भजिए आपके फेवरेट बन जाएंगे। हमारे मिर्ची के भजिए फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम कैप्सिकम के भजिए उतार लेंगे। कैप्सिकम को बैटर में डिप करके तेल में डाल दें। अब इसे हम धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। कैप्सिकम को हम ज़्यादातर सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं और वे सब्जी के टेस्ट को एनहांस कर देते हैं। एक बार आप कैप्सिकम के भजिए को ज़रूर से ट्राई दीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आपने बहुत तरह के भजिए खाए होंगे, एक बार आप इसे ट्राई करिए, बहुत ही यूनिक टेस्ट देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। ऐसे ही यूनिक रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। हमारे कैप्सिकम के भजिए तल चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम काकड़ी के भजिए उतार लेंगे। काकड़ी के स्लाइसेस को बैटर में डिप करके तेल में डाल दें और धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक तल लें। आपने काकड़ी को एज सैलेड या इसकी सब्जी खाई होगी, बट इसके भजिए एक बार ट्राई ज़रूर से करें, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। हमारी काकड़ी के भजिए तल चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे चार तरह के यूनिक एंड टेस्टी भजिए बनकर रेडी हैं। इन्हें चाय या फिर चटनी सॉस के साथ एंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।